10 दिन में डीजल के दाम में 2.51 रुपए के इजाफे के साथ बराबर हुई सरकार की राहत, पेट्रोल में 1.22 रुपए की बढ़ोतरी हुई। मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला, कहा एचएएल की बजाय अनिल अंबानी की 12 दिन पुरानी कंपनी को ठेका दिया। यौन शोषण के आरोपों में फंसे केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया। 17 अक्टूबर को सबरीमाला मंदिर का दरवाजा खुलने से पहले तनाव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बीजेपी केरल में हजारों समर्थकों के साथ सड़कों पर। मन्नान वानी विवाद में घसीटे जाने पर 1200 कश्मीरी छात्रों ने एएमयू प्रशासन को चिट्ठी लिखकर यूनिवर्सिटी छोड़ने की धमकी दी। एयर इंडिया में हादसों का दौर जारी, अब मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई जहाज का दरवाजा बंद करते समय एयर होस्टेस नीचे गिरी, नानावती अस्पताल में भर्ती। गैस चैम्बर में तब्दील होती दिल्ली के लिए इमरजेंसी प्लान आज से लागू, पार्किंग फीस बढ़ने के साथ डीजल जनरेटर भी बैन हो सकते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में फिर घुसे, भारतीय सेना की आपत्ति के बाद लौटे।